गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस आवर न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 11, न्यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लॉन्ग आंसर्स। हम लोगों ने चैप्टर 11 के फोर्थ नंबर यानी आंसर इन पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर्स के। इससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो चैप्टर 11 से चैप्टर 16 रहेगा। 17 और 18 जो चैप्टर है उसको डिलीट किया गया है। वो दो चैप्टर को रिड्यूस करके आपका सिलेबस 11 से 16 रहेगा, यानी कि 6 चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे और बाकी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक आपका 10 से 15% क्वेश्चन जो है 10% क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका 1 से चैप्टर 10 के बीच में रहेगा। उसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए उस पर भी कमांड किया जा सकता है। यानी आपके मोटे तौर पर देखा जाए तो सिलेबस आपका चैप्टर 11 से चैप्टर 16 है, तो उसी का मैं कुछ पार्ट आपको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन कर रहा हूँ और आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर चैप्टर 11 में देखें तो चैप्टर 11 हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है। तो इसमें हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है वो है, हाउ डिड द अप्रोच ऑफ द कांग्रेस टुवर्ड्स द ब्रिटिश चेंज ओवर टाइम। आखिर में कैसे जो है वो कांग्रेस ने जो है समय के साथ ब्रिटिश को यानी अंग्रेज़ों को बदल दिया, कैसे आखिर में क्या क्या तरीके कांग्रेस पार्टी ने लाई जिससे अंग्रेज़ों के अंदर एक समय के अनुसार बदलाव होना शुरू हो गया, तो उसमें डिस्कशन करते हैं। तो समय के अनुसार क्या बदलाव आए, देखिए, द अप्रोच ऑफ कांग्रेस टुवर्ड्स द ब्रिटिश चेंज ओवर टाइम्स बाय सम मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फायरी स्पीचेस एंड राइटिंग्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इनकरेज्ड मैनी इंडियंस टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ब्रिटिशर्स के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो पुरजोर कोशिश ने एक समय में ब्रिटिश को बदल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी हमारे भारत देश की अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो है पार्टी के कुछ मेंबरों ने के भाषण, स्पीच और उनके द्वारा लिखा गया राष्ट्र के नाम संदेश भारतीयों के अंदर यानी भारतीय नागरिकों के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है वो दृढ़ता और साहस जगाता है। और यही सब कारण है कि आज कई भारतीयों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और भारत के आज़ादी के संघर्ष में जो है कंट्रीब्यूशन किया। तो यही सब बातें हैं, क्या क्या बातें हुई, ये आपकी बातें हैं। द सम मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फायरी स्पीच एंड राइटिंग, कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिए गए उत्तेजक भाषण और लिखी गई वैसी बातें जो लगे भारतीय नागरिकों को अपने देश के प्रति सोचने पर मजबूर कर देती थी, ये सब बातें जो हैं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या है, स्वदेशी आंदोलन क्या है। स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्री, स्वदेशी का मतलब होता है
जो अपने देश का हो। पीपुल स्टॉप्ड यूजिंग गुड्स मेड इन ब्रिटेन एंड स्टार्टेड यूजिंग थिंग्स मेड ओनली इन इंडिया। पीपुल जो है गुड्स यानी औजार बनाना बंद कर रहे थे, विदेशों से आने वाले जो भी सामान थे, विदेशों से यानी ब्रिटेन से बने हुए जो भी सामान थे उसका लोग पुरजोर विरोध कर रहे थे। वे सिर्फ भारत के बने हुए और सामानों का, हम सभी भारतीय जो भी थे उस समय के, समय जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उस समय, सिर्फ यही नारा लगाया गया, स्वदेशी मीन्स थिंग्स विच इज़ मेड फ्रॉम आउंस कंट्री, यानी जो चीज़ें हमारे देश में बनी हो या हमारे भारतीय नागरिकों के द्वारा बनाई गई हो वैसी वस्तु का उपयोग में लाना है या वैसी वस्तुओं को उपयोग करना है। बाकी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उसको पूरी तरह से बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, वैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। स्वदेशी मतलब थिंग्स विच इज़ मेड फॉर आउन वंस आउन कंट्री, जो हमारे देश का हो या हमारे देश में बना हुआ हो वैसे ही वस्तुओं का हम लोगों को उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे है चैप्टर 11 में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डांडी मार्च से क्या समझते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा, आज्ञा नहीं अवज्ञा आंदोलन। देखिए डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक साथ इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों आंदोलन भारत के 1947 के आज़ादी यानी हमारे भारत देश के आज़ादी के संघर्ष में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हम जो है इम्पॉर्टेंट रखता था। यह जो आंदोलन था, दिस मूवमेंट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर ऑल इंडियंस हु गेट इंडिपेंडेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो व्हाट वॉज हैपेंड इन दांडी मार्च एंड हाउ दिस मार्च वॉज एंडेड। इन 1930 को ब्रिटिशर्स ने नमक पर कानून लगाया, नमक पर एक कानून लगाया जिसमें वैसे भारतीय जो नमक पर लगा हुआ कर यानी टैक्स नहीं देते हैं वैसे भारतीयों को नमक बनाने की आज़ादी नहीं थी, उनको बैन कर दिया गया नमक उपयोग करने से या बनाने से। तभी गांधी जी को जब ये पता चला कि हमारे भारत देश की मिट्टी और हमारे भारत देश का नमक और हमारे भारत देश के नमक का को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फौरन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक इस आंदोलन को, इस नमक पर लगाए गए कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। ही विथ हिज फॉलोअर्स, वह अपने फॉलोअर्स के साथ जितने भी भारतीय थे जो उनके सपोर्ट में थे, उन्होंने डांडी जो गुजरात में है वहाँ पर समुद्र के किनारे नमक पर लगे हुए कर को तोड़ करके वहाँ से नमक उठा करके और उसको वहाँ पर समुद्र के पानी के पास जो नमक था उससे नमक बनाना शुरू किया। और इस तरह से उन्होंने इस डांडी नमक पर लगाए गए जो
कर थे उसको तोड़ा, और यह मार्च डांडी मार्च कहलाया, है ना। तो इस तरह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का यूज करते हुए गांधी जी ने सभी को बोला कि अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए विद्यालय, चलाए जा रहे विश्वविद्यालय कॉलेजेस या जो भी कार्यालय है, ऑफिसेस, जो भी फैक्ट्री है, उसका उस पर आप उसको बायकॉट करें और किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं पे करें। फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स वेयर बर्न, कपड़ों को, विदेशी कपड़ों को जलाएं, उसको बाहर फेंके, उनके सामानों का उपयोग न करें। तो इस तरह से आप अगर ब्रिटिश का पुरजोर विरोध करेंगे तो ब्रिटिश तंग हो करके आपके देश से चली जाएगी, क्योंकि जब हम उनको टैक्स दे रहे हैं तो वो मजबूत हो रहे हैं। जब हम एक मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि जब आप किसी घर में किसी जानवर को पालते हैं और उसको अगर आप भोजन नहीं देते हैं तो आने वाले समय में वो कमज़ोर होता जाता है और वह या तो आपके पास से भाग जाएगा या वह मर जाएगा। तो वैसा ही हुआ, अंग्रेज़ों का कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था कि अंग्रेज़ हमारे देश में एक जानवर की तरह थे और जिसको भोजन कौन दे रहा था, हमारे सब भारतीय लोग दे रहे थे। जैसे ही भारतीय लोगों ने भोजन देना बंद किया, अंग्रेज कमज़ोर होते चले गए और हमारे भारत देश से भाग गए। क्लियर, मोटे तौर पे समझ में आया। आगे चलते हैं। अब हम लोग चैप्टर 11 का जो है एक पार्ट और पढ़ लेते हैं, वो है एक लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको डिस्कस कर लिया जाए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी ने क्यों लॉन्च किया। कई ऐसे आंदोलनों को में हिस्सा लेकर के गांधी जी जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद से गांधी जी जब जेल से आज़ाद हुए तो फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लिया। इस आंदोलन के स्वरूप गांधी जी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया। बिकॉज इन 1939 वर्ल्ड वार टू ब्रॉक आउट, 1939 में वर्ल्ड वार टू ब्रॉक आउट, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा यानी समाप्त हुआ। द इंडियन सोल्जर्स वुड हेल्प द ब्रिटिश टू फाइट द वार ओनली इफ इंडिया वॉज गिविंग फ्रीडम। भारतीय नागरिकों ने अंग्रेजों की मदद की दूसरे विश्व युद्ध में, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों से यह वायदा किया था कि भाई अगर वह ब्रिटिशर्स का साथ देता है दूसरे विश्व युद्ध में दूसरे देशों से लड़ने के लिए तो वह भारत देश को आज़ाद कर देगा। देखिए कितनी बड़ी चाल थी ब्रिटिशर्स की। द ब्रिटिश रिफ्यूज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताइए, अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों ने मदद किया, फिर भी अंग्रेजों ने भारत देश को आज़ाद करने से मना कर दिया। और इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुस्से होकर के और भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च किया। और इसमें प्रत्येक भारतीय ने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए
एक दृढ़ संकल्प लिया, ऑथ टेक किया और शायद भारत देश आज़ादी के पड़ाव पर पहुंचता हुआ नज़र आने लगा। तो राइट एंड लर्न इन नोट कॉपी लिखा हुआ था बच्चों, आप लोग इसको याद किए होंगे, हमको अच्छे से मालूम है। तो चैप्टर 12 का आपका जो है क्वेश्चन आंसर का रिवीजन पार्ट तो हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर 12 को समझ जो है चैप्टर 11 को समझा होगा, चैप्टर 12 कह रहे हैं चैप्टर 11 को, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे उसको मैंने करवा दिया। तो चैप्टर 11 में एक चीज़ और है, यहाँ पर एक 6 नंबर में एक और क्वेश्चन है, इसका एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। क्रिएट अ टाइमलाइन दैट शोज द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1905 टू 1947। 1905 से लेकर के 1947 तक, यानी भारत के आज़ादी तक, है ना, 1905 से लेकर के भारत के आज़ादी तक में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से आंदोलन हुए, भारत को कहां कहां पर परेशानियां हुई, उनका पूरा डिस्कशन, पूरा एक टाइमलाइन बना हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग इस पर नज़र डालते हैं। देखिए पहला कहता है, पहला टाइमलाइन कहता है कि ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है, ये पहला टाइमलाइन शुरू होता है जब भारत देश पहला यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति को हार चुका था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद की दशा है। 1857 की क्रांति के बाद 1885 में एक पॉजिटिव चीज़ आके भारत के लिए हुआ, वह था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, भारत की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण हुआ। कब? 1885 में। उसके बाद 1905 में भी एक पॉजिटिव घटना हुई, वह था नेगेटिव घटना हो सकती है, ये नेगेटिव घटना थी भारत के लिए, नेगेटिव हुआ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत बंगाल को, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र बंगाल को दो भाग में बांट दिया, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल 1905 में। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया 1914 में, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में हुआ। उसके बाद 1915 में गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की को ज्वाइन किया, आके इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी ने आके ज्वाइन किया। 1919 में अंग्रेज़ों ने एक रॉलेट कानून पारित किया, जिसमें जो भी व्यक्ति बिना ट्रायल का उसको जेल में डाल दिया जा रहा था, डिस्कशन हुआ है पीछे। उसके बाद इसी 1919 को ही, 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको याद है बच्चों, पंजाब में एक बाग था जालियांवाला बाग, वहाँ पर कई लोगों को, भारतीय लोगों को बैसाखी के दिन चारों तरफ से घेर करके और एक मीटिंग का हिस्सा हो रहे थे लोग, और उस समय अंग्रेज़ों ने रॉलेट कानून लगाया था और उसका पालन न करने के चलते कई लोगों को मारा गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन लाया गया, 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो इस तरह से जो हम लोगों ने कई तरह के आंदोलनों को देखा सुना, उसके बाद आगे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ,
1939 में 1942 में भारत छोड़ करके अंग्रेज जाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया भारत के लोगों ने, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को यानी 1947 को भारत देश हमारा पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो एक टाइमलाइन था जिसमें भारत की जो आज़ादी की क्रांति थी उसमें भारत ने पुरजोर अपना क्या किया, जो है मेहनत की, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और लास्ट में भारत को आज़ादी मिली। तो हमारा चैप्टर भी आज यहाँ पर चैप्टर 11 जो है उसका रिवीजन पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।